वेलकम बैक एवरीवन, दर्शन इज हियर विथ अनदर टेक वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस टेक वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ये सिंपेक्स की तरफ से आने वाला स्पीड लाइट ब्रैकेट का, या फिर कह सकते हैं उसको हम एस ब्रैकेट। आगे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, इसके क्वालिटी के बारे में, एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप लोग फोटोग्राफी या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन टाइप के वीडियो में इंटरेस्टेड हो, देन आप ये वाली चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अब दो चैनल बनाने का यहाँ पे रीज़न ये था कि जो मेरी फर्स्ट चैनल है जिसके ऊपर मैं टेक वीडियोस या फिर टेक रिव्यूज, अनबॉक्सिंग एंड एडिटिंग टाइप के जो वीडियोस है वो मैं डालता रहता था, अब उसकी वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी सारा जो है कंटेंट वहाँ पे मिक्स हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड चैनल बनाया जाए फोटोग्राफी एंड एडिटिंग पर्पज़ के लिए, एंड जो लोगों को जो है सिर्फ फोटोग्राफी या फिर एडिटिंग में इंटरेस्टेड है वो उस वाली चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसको अनबॉक्सिंग या फिर जो है टेक रिव्यूज़ या फिर टेक वीडियोज़ के अंदर इंटरेस्टेड है वो इस वाली चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो के ऊपर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों सिंपेक्स की तरफ से आने वाला स्पीड लाइट ब्रैकेट। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे फ्रंट जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि उसने एक साथ जो है चार स्पीड लाइट को यहाँ पे माउंट किया गया है। बॉक्स के पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ब्रैकेट को हम जो है हमारे सॉफ्ट बॉक्स के साथ या फिर स्नोर के साथ या फिर रिफ्लेक्टर के साथ या फिर हम कह सकते हैं कि अम्ब्रेला के साथ कैसे यूज़ में ले सकते हैं, इसका आपको यहाँ पे एक सिंपल फोटोग्राफ करके दिया है। तो कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन है हमारे इस ब्रैकेट का, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पीड लाइट ब्रैकेट का। एंड अगर मैं बात करूँ इसके क्वालिटी के बारे में तो डेफिनेटली ये प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, मगर इसका जो प्लास्टिक है वो भी गुड क्वालिटी का यहाँ पे है। ये इस ब्रैकेट के बॉटम हिस्से में अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंदर की तरफ जो है एक स्टील का रोड दिया है। अब स्टील का रोड इसलिए में भी दिया होगा कि जब हम इसको हमारे ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करेंगे तो इसका जो पकड़ है वो अच्छी तरीके से हमारे ट्राइपॉड के ऊपर बनी रहे, इसलिए में भी यहाँ पे जो है अंदर की तरफ स्टील का रोड दिया हुआ है। इस ब्रैकेट का जो सामने का हिस्सा है जहाँ पे हम ऑक्टागोनल जो है सॉफ्ट बॉक्स को माउंट कर सकते हैं, ये वाले एरिया के अंदर हम स्पीड लाइट को यहाँ पे माउंट करेंगे। एक बार स्पीड लाइट को माउंट करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिया है जिसको हम यहाँ से टाइटन कर सकते हैं। मे बी दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर तो यहाँ पे एक होल दिया है। अब ये जो होल है वो स्पेशली अम्ब्रेला को माउंट करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस ब्रैकेट को एक बार हमारे सॉफ्ट बॉक्स या फिर अम्ब्रेला के साथ माउंट करने के बाद क्या हम इसकी पोजीशन को हम टिल्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम इसका पोजीशन को टिल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टिल्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक नट दिया है, इस नट को हम यहाँ पे लूज करेंगे एंड देन इसकी जो पोजीशन है वो हम कुछ इस प्रकार से टिल्ट कर सकते हैं। टिल्ट करने के बाद हम ये नट को यहाँ से टाइटन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सिंपेक्स का ये स्पीड लाइट ब्रैकेट के प्राइस के बारे में। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस के बारे में तो इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा था कुछ 650 इंडियन रुपीस में। एंड अगर आप इस स्पीड लाइट ब्रैकेट को ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ 750 से लेके 800 के आसपास। चलिए दोस्तों, अभी हम स्पीड लाइट ब्रैकेट को हमारे जो सॉफ्ट बॉक्स है वो सॉफ्ट बॉक्स के साथ कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं उसका मैं पूरा सेटअप बना के आपको दिखाता हूँ।